मालण पड़े के मने पड़ के मने आज मर्द गिनाने। पहली कली से शुरुआत की, कहने लगा कि मलन अपने बाग के पूरे गेट पा जा, या तो शुरुआत करूंगा और आखिरी तक बता दूंगा कि तेरे बाग में कितने मर्द है। आइए पहली कली में कितने मर्द गिनाए और कैसे क्या लिखा बता दिया। तरीके से कि जिस भी शब्द में जोर देना पड़े, कति तकड़ी तक का दो जोर देना पड़े, उसने मर्द कया करे, और जड़ा सीढ़क से पड़ जा उसने जनानी कया करे। लेकिन आजकल सारा सौदा बराबर चल रहा है। आइए कहन लग गया कि इबे पूरा नहीं होया, इबे ध्यान ते सुन और किस किसी ने मर्द कहे हैं। आइए दूसरी बात में मर्द गिनाए और दिखे कू
छाकी ऊपर रोशन ताने जहां से हवा नहीं इतने मर्द तेरे रिवाज में मन ने क्यों बता जवाब है कि जिसकी दो आंख एक नाक दो कान उसने मर्द नहीं गया करते। मर्द की बहुत सी प्रतिभाषाएं होती हैं, बहुत सी डेफिनेशन होती है जो आज देना बेरा भी नहीं पाटा कर। अरे ये हमारे बूढ़े बैठे हैं, इनने तो बेरा है, खैर नौजवान ना 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 बेरा। आइए तीसरी बात मैं बताने लग गया कि कई मर्द उनमें भी छुपा होया करें जो हम रोज यूज करा करें, और कौन कौन होया करें। आइए तीसरी बात में क्या छोड़ कर दिया। हमारे जो पुराने कवि हुआ करते थे उनकी बिल्कुल ये खास बात हुआ करती थी कि जो आखिरी कली वो लिखा करते थे वो तीन कलियों का तोड़ लिखा करते थे। आइए आखिरी बात में दादा लक्ष्मी चंद ने तोड़ निचोड़ करते हुए बता दिया
कहन लग गया परदेसी क्या मालाने मेरे ते एक बात बता। कहन लगी के परदेसी कि तू क्या समझे है कि तू ऊपर ते लेके नीचे तक पूरी जनानी है औरत है। कहन लगी हाँ परदेसी किसी बैकी बैकी बात करे। कहन लग गया ना फिर तेने नहीं बता का नहीं बेरा। कहन लग गया कि एक औरत में भी कई मर्दों का वास होता है और एक औरत के अंदर मर्दों का कहां कहां वास होता है। आइए आखिरी कली में किस प्रकार